कहते हैं ना, जिंदगी कब तुम्हें किस मोड़ पे छोड़ दे, ये कोई कह नहीं सकता। स्ट्रीट की आवाजों में बोलो मेरे साथ, सारी क्वालिटी है काम साथ में, न्यू टाउन हिप हॉप, हेटर मेरे नाजायज और मैं हूँ इनका बाप, गिनचुन के है सात नंबर में ज्यादा है साफ। मेरा नाम कार्तिक शाह है, मैं इस्लामपुर खुदराम पुलिस से हूँ और मैं एक साल से रैप कर रहा हूँ। कुछ मतलब पर्सनल इशू के वजह से मैं रैप स्टार्ट किया हूँ और मेरा स्टेज नेम है साइको लौंडा। और मेनली मेरा मतलब अपना नाम रखा, सब कोई बोलता है कि ये नाम क्यों रखा, पागल जैसा कुछ नाम क्यों रखा, तो कुछ ऐसा है कि मैं दोस्तों से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल जाता हूँ सबसे, तो सब कोई मेरे को पागल पागल भी बोलते हैं, ऐसे मजाक में चिराते थे, मतलब पागल है तेरे, मतलब बंगाली में बोला तो माथा ढीला है ऐसा टाइप। तो मैं सोचा खुद का नाम क्यों ना स्टेज नेम साइको लौंडा रखा जाए, तो अभी सबको ये नाम ही पसंद आ रहा है सबको, मेरे दोस्त लोगों को। मेरा नाम प्रीतम है और मेरा स्टेज नेम है इन्फर्नो, जो मैं डांस के स्टेज में उतरने के बाद देता हूँ। और मैं इस्लामपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक डांसर हूँ। मेरा डांस स्टाइल है क्रम, जो एक अंडरग्राउंड कल्चर से बिलोंग करता है। मैं स्कूल में खुदराम पुलिस स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं मेरा कॉलोनी में है खुदराम पुलिस सुकांत विद्यापीठ, और कॉलेज मेरा इस्लामपुर कॉलेज है। थर्ड ईयर तक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पास कोर्स में, आर्ट्स में। पढ़ाई मेरा अभी बीए कंप्लीट हुआ इंग्लिश ऑनर्स में, अभी शायद एमए करेंगे या तो फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म में एमबीए करेंगे। जो अपने लोग हैं, मतलब कुछ अपने लोग हैं, बहुत कुछ नहीं, बहुत सारे अपने लोग जो मेरे को टीस करते थे पहले, और मेरे कुछ अपने इश्यूज़ है, दोस्त लोग के इश्यूज़ है, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ है। मैं ये स्टार्ट का स्टोरी मेरा कुछ एकदम अलग है, क्योंकि मैं तभी थोड़ा बहुत डिप्रेशन में था, और मतलब मैंने पहले हिप हॉप चालू किया था, बट वो डिप्रेशन के चलते वो हिप हॉप मुझसे हो नहीं रहा था। फिर मुझे ये क्रम्प मिला तो मैं करता रहा। ये बहुत इमोशनल है, जो मैं करते करते अपने इमोशनल को इसके साथ अटैच कर दिया, और मतलब अच्छा लगने लगा था, मुझे बहुत हैप्पी फील होता था कि मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी टेंशन आता है, बस डांस करो, अपने डांस के थ्रू वो एक्सप्रेस करो, बहुत अच्छा लगता था। तो ये चलते चलते बस बन गया मेरा, साढ़े तीन चार साल से कर रहा हूँ। मेरे को मेरा बेस्ट सॉन्ग अलगा फुटानी लगता है और इस्लामपुर भाषी। अलगा फुटानी में थोड़ा सा वाइब है उसमें, उसका बीट अच्छा है, उसका वाइब है। और हेटर्स लोग के लिए थोड़ा डिस्क्लेमर है, जो हेटर्स है मेरे, अभी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों का एक छोटा सा टीम है, चार पाँच पाँच से छः ऐसा कुछ है, जो लोग हम लोग अंडरग्राउंड कल्चर का करते हैं, ठीक है। सो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इसको स्प्रेड करें, लेकिन इसमें बात होता है, ये अंडरग्राउंड है, ये टीवी राउंड में नहीं आता है, ठीक है, ये स्ट्रीट कल्चर है। तो इसका बैटल वगैरह होता है, नेशनल इवेंट्स होता है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट आता है, लेकिन यहाँ का मेंटेलिटी जो है पब्लिक का, रियलिटी शो का है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ दिन करता है, और इसमें बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि रियलिटी शो ऐसा होता है कि वो लोग कोरियोग्राफी करता है और हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ भी हो, गाना चल रहा है उधर, दिमाग में कुछ नहीं है क्या करना है, बस करो, अपने आप आ जाना है। तो इसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और वही हार्डवर्क थोड़ा कम करना चाहता है लोग अभी, मतलब आसानी से करना चाहता है। जो इस्लामपुर भाषी है, इस्लामपुर भाषी में ये समझा कि इस्लामपुर में अभी तक हिप हॉप कल्चर ठीक से एंटर नहीं किया, तो मेरे गाने के ज़रिए अगर सुने सब कोई सुने, तो मेरे से अगर इंस्पायर हो, मेरे छोटे छोटे जो भाई हैं, तो मेरे से अगर इंस्पायर हो के वो लोग भी अगर रैप हो या फिर डांस, जैसे मैं डांसर्स भी यूज़ किया, मेरा दोस्त लोग बहन भाई लोग जो है डांसर्स भी यूज़ किया हो, तो उन लोगों को देख के इंस्पायर हो, डांस स्टार्ट करे या फिर मेरे को देख के रैप स्टार्ट करे, तो इसी के लिए मैं इस्लामपुर वासी जो है वो स्टार्ट किया था। हिप हॉप कल्चर पूछो वे पर बारी थे ये लाइन। जो रोड है ना, रोड कम खड्डे ज़्यादा है, मेरे को इसमें इस टॉपिक पर मेरे को बहुत दिन से मन है, मेरे को इस पर लिखना है। जैसे रोड कम खड्डे ही है, जैसे सिटी है, रोड तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम तो बाइक चलाते हैं, हम लोग तो सरकार टैक्स लेते हैं, इंश्योरेंस का पैसा भी पहले जो इंश्योरेंस कंपनी को, वो तो अलग सेक्टर हो गया इंश्योरेंस, तो बाइक का टैक्स हम पहले से भर के ही खरीदते हैं बाइक, और सब हम लोग पे करते ही है। लेकिन जब चलाने वाला, जब बाइक या फिर कार हो गया, फिर चलाने का टाइम हो गया, तो हम लोग ठीक से अगर चला नहीं पाए तो,
और भी बहुत सारे एम्बुलेंस हो गए, एम्बुलेंस ठीक से अपनी जगह पे पहुंचने के लिए बहुत, मतलब अगर अंदर कोई पेशेंट है, अगर किसी खड्डे पे एक जर्किन हुआ तो भी उस पेशेंट का भी कुछ इंजरी, इंटरनल इंजरी हो सकता है, तो इस इशू पे मेरे को लिखना था। अच्छा।